हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं आपको अभी शिमला से मनाली लेके चल रहा हूं बाई रोड। मैं अपनी अभी कैब का वेट कर रहा हूं और ये जो जर्नी है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो आप इस जर्नी में मेरे साथ बने रहें ताकि शिमला से जो मनाली का जर्नी है वो काफ़ी आराम से पूरा हो सके हम सभी लोगों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं भी अपनी कैब का वेट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं कार में बैठ चुका हूँ और ये ट्रेवल मैं मारुति स्विफ्ट से कर रहा हूँ शिमला टू मनाली बाई रोड टू, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये। और मेरे साथ ही सफ़र में है मिस्टर रोहन, हेलो, मेरे फ्रेंड हैं, और साथ में है मिस्टर मनोहर, हेलो। तो ये जो डिस्टेंस है शिमला टू मनाली, दिस इज अराउंड 250 किलोमीटर्स, और इसको हम लोग ऑलमोस्ट ट्रेवल करेंगे 7 to 8 hours में, डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशंस। वो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था 1 year back, तो उस समय थोड़े जो कंस्ट्रक्शन है रोड्स पे वो ज़्यादा हो रहे थे। अब आई डोंट नो अभी क्या होगा, तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप बने रहें इस वीडियो में और एंजॉय करते रहें शिमला टू मनाली। टुडे इज 3rd July और ये जो हमने सफ़र स्टार्ट किया है यहाँ शिमला से, और ये देखिए ब्यूटीफुल व्यूज़ देखते देखते एक समय का पता ही नहीं चलता कि मनाली कब पहुँच गए। और ऑलमोस्ट ऐसा ही जो है व्यू पूरे शिमला से मनाली तक मिलता रहेगा। बीच में थोड़े समय प्लेन एरियाज भी आएंगे मनाली के रास्ते में, जैसे कि मंडी, सुंदरनगर, लेकिन खूबसूरती तो हिमाचल के कण कण में बसा हुआ है, तो मज़ा बहुत आता है दोस्तों। तो आप बिल्कुल एंजॉय करते रहिए, मैं तो यही चाहता हूँ। और ये वीडियो उन टूरिस्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही बेनिफिशियल है जो शिमला से मनाली के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं बाई रोड। 3rd July का टेम्परेचर आज है लगभग 22 degrees centigrade एंड इट्स वेरी प्लेजेंट। तो और ऑलमोस्ट ऐसा ही मौसम मनाली जो मेन सेंटर पॉइंट है वहाँ भी ऐसा ही कुछ वेदर होना है, क्लाइमेट भी आजकल, तो वो भी बहुत ही एंजॉयबल है। लेकिन टूरिस्ट जुलाई और अगस्त दे मस्ट अवॉइड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर स्काई में भी इतनी जो स्काई है, ये आसमान इतना क्लियर नहीं है, आपको ब्लू जितने दिख नहीं रहे हैं आसमान में, तो अवॉइड करें आना, क्योंकि रेनी सीजन में शिमला और मनाली आके होटल्स में बैठने से टाइम और मनी दोनों वेस्ट होते हैं, तो दैट यू मस्ट टेक केयर। तो आप अगर जब भी प्लान करें मनाली या शिमला के लिए, सो नाउ यू मस्ट थिंक फॉर सेप्टेम्बर ओनली, सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स, इस चीज़ का ध्यान रखें आप प्लीज़। ये शिमला का ISBT बाईपास एरिया है, अगर आप बस से आते हैं तो यहीं से बस ISBT बस स्टैंड की ओर मुड़ती है, और यहाँ से आप मेन शिमला शहर में जा सकते हैं इस रास्ते से। यहाँ से आप पीछे पहाड़ियों पर देखें तो पूरा शिमला दिख रहा है मेन। तो अब हम लोग शिमला के आउटस्कर्ट में आ चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये यहाँ से हमें दो रास्ते दिख रहे हैं, तो एक जो लेफ्ट साइड का है, चंडीगढ़ से आएंगे तो हम इस रास्ते से आएंगे, और अभी हम यहाँ से राइट साइड के लिए कट गए हैं, यहाँ से हम मनाली के लिए निकल जाएंगे। अभी हम लोग टूटू पहुँच चुके हैं और यहाँ पहुँचने में हमें शिमला से लगे हैं लगभग 15 मिनट्स, तो जस्ट अभी हम शिमला से बाहर निकले ही हैं, और एक अभी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।
लोकेशंस और जो प्लेसेस ऑन द वे मिड डेस्टिनेशंस आने वाले हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और यहीं से जुबरहट्टी एयरपोर्ट है यहाँ शिमला में, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और यहाँ से वहाँ जाने में लगेंगे लगभग 20-25 मिनट्स। एयरपोर्ट का रास्ता यहाँ से ये लेफ्ट साइड वाला है और हम अभी यहाँ से सीधा राइट साइड निकल रहे हैं। शिमला से लगभग 40 मिनट्स अहेड की ड्राइव पे हैं हम लोग। और अगर यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ से पूरे मनाली तक रास्ते भर एक और आपको हिल्स मिलेंगी, जैसे हिल्स आपको दिख रहे हैं ये राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ये वैली होती है, फॉरेस्ट। बिल्कुल ही ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे ना कोई गया हो, अनटस्ट हो, बिल्कुल वैसा फॉरेस्ट मिलेगा हमें। और ड्राइव का तो मज़ा आ जाता है इस टाइम। यहाँ बोर्ड से फ्रेंड्स दिखा रहा है मनाली 238 किलोमीटर, तो अभी हमें लगते हैं कि लगभग 6 आवर्स लग जाना चाहिए। वाओ, अल्टीमेट ड्राइव, व्हाट अ व्यू ऑफ रोड्स। ये कलोक का एरिया है जिसे क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, शालाघाट पहुंचने वाले हैं अभी। और ये व्यूज देखिए, कितना अल्टीमेट व्यू है, और रियली लवली। शिमला से हमें यहाँ तक अभी 1 घंटे हुए हैं ड्राइव करते हुए। हम लोग ऑन द वे घागस में एक ढाबा है, बहादुर ढाबा, यहाँ पे काफ़ी फेमस है खाना, क्योंकि ये चूल्हे पे बनाते हैं, लकड़ी के चूल्हे पे, वहाँ पे दालों को पकाते हैं। और बड़ा अच्छा खाना है यहाँ का। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं, लगभग 3.5 आवर हो गया है शिमला से निकले हुए, तो ऑलमोस्ट मिडवे है ये। मक्की की रोटी, दाल मखनी, और साथ में अभी कढ़ी आने वाली है, तो बहुत ही बढ़िया खाना है। आई एम श्योर कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये है बरमाना, यहाँ पे एसीसी का सीमेंट प्लांट है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों में सिलिका पाया जाता है, तो सिलिका मेन बेस होता है इनका, तो उसको यूज़ करते हैं सीमेंट बनाने में। मेरे लेफ्ट साइड में सतलुज रिवर है, ये देखिए बिल्कुल रिवर बैंक पे हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं। और ये देखिए जो रास्ते हैं, ग्रीनरी से बिल्कुल भरपूर हैं। इस जगह का नाम सलापड़ है, एंड इट इज़ जस्ट 20 किलोमीटर अहेड ऑफ घागस। इस रिवर ब्रिज से हमें लेफ्ट साइड की ओर मुड़ जाना है, और इधर से ये सुंदर नगर, मंडी, मनाली, इन सब जगह की ओर जा सकते हैं। और देखिए इसको कोल डैम बोलते हैं, इधर मैं दूसरे साइड दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए कोल डैम का सामने का डैम है ये। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ सुंदर नगर, सच में बहुत ही सुंदर जगह है ये हिमाचल की। यहाँ से मनाली है लगभग 125 किलोमीटर। शिमला टू मनाली पूरे रास्ते आपको बहुत सारे ढाबाज रेस्टोरेंट्स मिलते रहते हैं, तो आप कहीं भी अगर आपको फील करें कि आपको कुछ लेना चाहिए रिफ्रेशमेंट्स, लंच और डिनर और सम लाइट स्नैक्स, यू कैन ट्राई एनीवेयर ऑल द वे फ्रॉम शिमला टू मनाली। सुंदरनगर का मार्केट मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, लगभग 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, और इसके बिल्कुल लास्ट स्ट्रेच पे ऑलमोस्ट बाहर की ओर सुंदरनगर, जब हम मनाली की ओर जा रहे होंगे तो उधर मिलता है सुंदरनगर का झील, काफी सुंदर झील है वो। और शाम के टाइम में कुछ अलग ही नज़ारे होते हैं, और जो कूलनेस होती है उस जगह की वो भी बहुत ही प्यारा होता है। ये रहा वो लेक सुंदर नगर का, और कुछ टूरिस्ट यहाँ पे एंजॉय करते हुए, और भुट्टे का भी काफी इंतजाम है यहाँ पे, रोस्टिंग, और कुछ दूसरे स्ट्रीट फूड वाले भी हैं।
तो यहाँ पे सुंदरनगर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से हम थोड़ी ही देर में आगे मंडी पहुँच जाएंगे। अभी हम सुंदरनगर और मंडी के लगभग बिल्कुल बीचों बीच हैं, और ये जो एरिया है इसको बल क्षेत्र बोलते हैं। ये काफ़ी फर्टाइल प्लेस है, पूरे हिमाचल में इसे फर्टाइल प्लेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरीज है यहाँ के सॉयल में, और उर्वरता काफ़ी है उनकी, वहाँ काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये कारण है कि जगह जो है बल क्षेत्र के नाम से मशहूर है। ये है मंडी शहर। यहाँ से लेफ्ट साइड हम मंडी मार्केट में जा सकते हैं, और साथ में रिवालसर और पराशर लेक के लिए भी जा सकते हैं। मनाली के लिए हमें यहाँ से सीधा निकलना है, और हम सीधे जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से हमें राइट मुड़ना है। यहाँ राइट साइड में हमें मंडी का बस स्टैंड दिख रहा है, ये वाला एरिया बस स्टैंड है। ये गुरुद्वारा साहिब मंडी का, और बिल्कुल साथ में ब्यास रिवर के बैंक पे रास्ता बना हुआ है, उससे हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। मंडी से आगे बढ़ने पे मनाली की ओर काफी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी ट्रैफिक जैम भी लग रहा है, और रोड्स भी बहुत ही नैरो हो गए हैं। तो अभी तो बिल्कुल भी ड्राइव का मजा नहीं है मंडी से आगे मनाली की ओर, बट आई एम श्योर इन नेक्स्ट 2 ईयर्स ये सारे रास्ते जो हैं ये 4 लेन हो जाएंगे, फिर एक ड्राइव का अलग मजा होगा। बट इट्स टू मच पेन नाउ। देखिए कैसे पहाड़ों को काट के 4 लेन डेवलप किया जा रहा है। ऐसी कच्ची सड़कों पे काफी लैंडस्लाइड भी होती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, और रेनी सीजन में बहुत ही ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट यू मस्ट अवॉइड इन रेनी सीजन। अगर आप पोस्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर में अगर आए तो आप ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे इन सब हिली एरियाज को। वही हम लोग पंडोह डैम पे हैं और उसको क्रॉस कर रहे हैं। आगे से हमें राइट जाना है मनाली की ओर। पंडोह से मनाली की ओर बढ़ने पे ये देखिए एक और खूबसूरत रोड का नजारा, पहाड़ों पे ऐसी खूबसूरती आर्टिफिशियली देखिए इंसानों ने क्या क्या बना दिया है। 4 लेन का जो लेफ्ट साइड है अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी भी कुछ काम चल रहा है, कुछ ऊपर से पत्थर वगैरह भी गिर रहे हैं। अभी जो मनाली का 4 लेन बन रहा है ये देखिए ऊपर से फ्लाईओवर, और जहाँ फ्लाईओवर खत्म हो रहा है वहीं पे आगे वो टनल है, देखिए पहाड़ में टनल बनाया गया है, फिर जहाँ ये टनल निकलेगा वहाँ से वापस फ्लाईओवर। तो ऐसे बनाया जा रहा है रास्ते को, और ये जो रास्ता जिस रास्ते से भी हम जा रहे हैं मनाली की ओर, इनको जो है छोड़ दिया जाएगा, ये मेन रास्ता नहीं रहेगा। तो आई एम श्योर कि उससे जो रास्ते हैं टाइमिंग उसकी काफ़ी कम हो जाएगी। अभी हम लोग लारजी में हैं और इसको क्रॉस कर रहे हैं, और ये एरिया इसको बोल सकते हैं कि यहाँ से कुल्लू स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से लगभग 1.5 आवर लगेगा हमें मनाली जाने में, और साथ ही साथ राइट साइड में देखिए ब्यास रिवर, लेकिन इस ब्यास रिवर का जो फ्लो है काफ़ी तेज़ हो चुका है, ये दिख नहीं पा रहा वैसे। अब जैसे ही हम लोग कुल्लू में आए हैं तो गाड़ी की एसी भी बंद कर दी है हमने, क्योंकि मंडी और सुंदरनगर वाले एरिया में तो काफ़ी गर्मी हो गई थी, वार्म एरियाज हैं वो नॉर्मली, हिमाचल की प्लेन एरिया भी है, और कुल्लू से मनाली के रास्ते में तो ठंडक मिलेगी ही, लेकिन कुल्लू से इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ से अब हम लोग और टनल में भी एंटर कर रहे हैं, और ये टनल लगभग है 3 किलोमीटर का, ये देखिए और टनल के अंदर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं अभी। इससे थोड़ा सा आगे हमें भुंतर मिलेगा इस टनल के आगे, और फिर कुल्लू का टाउन आ जाएगा, मेन शहर जो है वो, और फिर उससे आगे मनाली। इस टनल की शुरुआत में राइट साइड में अगर वहाँ से हम जाते हैं तो सैंज वैली, जैसे कि शांगड़ और तीर्थन, और आगे जाके जिब्भी,
तो ये सब जगह भी मिलती है उधर, जस्ट 1 आवर के ड्राइव पे सारी जगहें हमें मिल जाती हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी कुल्लू का ही पार्ट है। यहाँ हम लोग टनल के बाहर आ गए और बाहर आते ही आपको एक आगे छोटा सा मार्केट मिलेगा। ये मैं आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का रास्ता दिखा रहा हूँ, 4 लेन, बहुत ही शानदार रोड बना हुआ है। यहाँ से कुल्लू शहर यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से है मनाली लगभग 30 किलोमीटर, यहाँ से मनाली है 58 किलोमीटर। देखिए ये राइट साइड में ब्यास रिवर ऑलमोस्ट ओवरफ्लो करता हुआ, रेनी सीजन भी है, और साथ में इधर 4 लेन पे ड्राइव, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। यहाँ से अगर भुंतर एयरपोर्ट जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट साइड की ओर मुड़ जाएंगे, यहाँ से इस साइड को इधर, और हमें यहाँ पे राइट साइड को सीधा चलते जाना है मनाली की ओर, और इसी रास्ते में कुल्लू शहर भी आएगा पहले। दोस्तों हम लोग कुल्लू पहुँच चुके हैं, ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट बैंक में आप जितने भी आप घर देख रहे हैं ये भुंतर का एरिया है, और अभी हम थोड़ी देर में कुल्लू शहर पहुंच जाएंगे। यहाँ से अगर हम ये राइट साइड जाते हैं, ये राइट साइड, तो हम कसोल और मणिकरण पहुंच जाते हैं गुरुद्वारा साहिब, ये राइट साइड, वहाँ से हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे मनाली के लिए। यहाँ से कसोल इट्स जस्ट 45 to 50 minutes ड्राइव, और मणिकरण वहाँ से 20 minutes आगे है, आगे की ड्राइव है, 20 minutes लगते हैं वहाँ से टाइम। अब यहाँ से लेफ्ट रिवर बैंक में ये कुल्लू वैली है, कुल्लू शहर, और हम लोग इस राइट बैंक के 4 लेन से आगे बढ़ते हुए मनाली के लिए, लेफ्ट रिवर बैंक में कुल्लू का मार्केट है यहाँ से जो सामने दिख रहा है हमें। तो अब हम लोग कुल्लू से बाहर आते हुए, मनाली इज 40 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, और इसी रास्ते पे लेह भी दिखा रहा है जस्ट 460 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस कुल्लू से, क्योंकि नया रास्ता बन चुका है अटल टनल वाला, जो बाईपास बन चुका है उसके कारण डिस्टेंस काफ़ी कम हो गई है। यहाँ से हम ये राइट साइड से बिजली महादेव भी जा सकते हैं, बिजली महादेव बहुत ही फेमस स्पॉट है, जहाँ पे भगवान का जो शिवलिंग है वो बिजली कड़कने से टूट जाती है, फिर उसको मक्खन से जोड़ा जाता है और फिर वो वापस पहले की तरह हो जाता है। अभी हम लोग नगर क्रॉस करते हुए मनाली की ओर जा रहे हैं, और ये देखिए नगर के आने के पहले ही दोनों साइड में यहाँ पे एप्पल ट्रीज, केवल सेब का बगीचा ही बगीचा दिख रहा है। इन एप्पल ट्रीज के ऊपर काफ़ी सारे एप्पल भी लगे हुए हैं, क्योंकि अभी सीज़न है जुलाई और अगस्त, तो सीज़न टाइम में देखिए यहाँ पे एप्पल भी छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं। हम लोग मनाली पहुंच चुके हैं, यहाँ से मनाली का सिटी सेंटर पॉइंट मॉल रोड वाला एरिया जो है वो लगभग 5 किलोमीटर आगे हैं, यहाँ से मनाली स्टार्ट हो जाता है। हमारा होटल में आने वाला है होटल वेस्ट रिवर साइड, ये एरिया मनाली का है, इसको बोलते हैं कनियाल। ये मनाली का व्यू देखिए रात का, भी बड़ा सुंदर दिख रहा है, और ठंडक भी काफ़ी बढ़ गई है यहाँ की एटमॉस्फेयर में। और ये आ गया मेरा होटल, होटल न्यू रिवर वेस्ट। इनफ पार्किंग है यहाँ पे, इसी होटल का ये पार्ट है न्यू बिल्डिंग।
यार होटल में चल के रूम देखता हूँ अपना। तो अभी मैं अभी अपने होटल के कमरे में आ गया हूँ, ये रिवर न्यू वेस्ट साइड होटल में, और ये जो रूम है मुझे अच्छा लग रहा है, हाइजीनिक है, और यहाँ से बड़े अच्छे व्यू भी हैं। ये जो जस्ट यहाँ से जो विंडो है, ये कल मुझे व्यू दिखेंगे इस साइड में, यहाँ ऊपर की ओर पहाड़ों पे। तो वो अब कल सुबह देखूँगा मैं। और दोस्तों यहाँ पहुँचने में हमें लग गए 8 hours 30 minutes, इट्स ओनली बिकॉज ये रास्ते भी काफ़ी ख़राब थे, वैसे मेरा एक्सपेक्टेशन 7 hours का था। तो अभी हो रहे हैं 9:00, और हमने 12:30 में स्टार्ट किया था ये जर्नी शिमला से। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।